दोस्तों इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से ट्राई मत करना, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं जंगल का राजा सच्ची मुच्ची का शेर यानी कि टाइगर, जिसको हिंदी में बाघ बोलते हैं, और जो कि सबसे बड़ा बिग कैट होता है, बड़ी बिल्लियों में सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर वो भाई किसी को पकड़ ले तो ये मान लो कि वो उसकी दया के ऊपर ही निर्भर है। तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। तो भाई अब हम टच करने वाले रियल टाइगर्स को बस कुछ ही देर में। तो गाइस हम लोग टाइगर्स के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर है गाइस दो टाइगर्स, यहाँ पर दो दो टाइगर्स हैं। और गाइस अब मैं टाइगर को टच करने वाला हूँ यहाँ पे। ओ तेरी, ओ भाई ये असली के टाइगर्स हैं। जो दोनों टाइगर्स हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। और भाई ओके ओके गाइस ये टाइगर मेरी तरफ देख रहा है एकदम। तो भाई एक टाइगर जो है वो तो यहाँ पे बैठा है, और ये देखो भाई जो है ये इनके साथ इतना फ्रेंडली है। भाई ये तो सो गया, इसको सोना है मस्त। और यहाँ पर है गाइस दूसरा, और ये वाला जो है अभी पानी पी रहा है। तो भाई मैं पीछे आ गया फिलहाल। अगर दम है ना तो सामने आके दिखाना। और यहाँ से मेरे को टाइगर का फेस दिख रहा है। व्हाट डज ही ईट? चिकन। चिकन, हाउ मच चिकन इन वन डे? इट इज 4 केजी। 4 किलो चिकन खाता है एक दिन में? ओनली चिकन? यस। भाई इस शेर की जो उम्र है वो है 8 महीने बस, और 4 किलो चिकन फिर भी ये डेली का खाता है। अभी मुझे लगता है गाइस इसको रेस्ट करना है, तो इसको आराम करना है, तो ये रेस्ट कर रहा है। बाकी इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, हम इसको टच भी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये फ्रेंडली है। और फ्रेंडली टाइगर्स को इस तरीके से लोगों के साथ मिलने रखा जाता है, लेकिन फिर भी गाइस हमको डर तो लगता ही है। जब ये हिलता डुलता है ना तो डर लग जाता है। और ये जो है भाई एक छोटी सी डंडी रखता है अपने साथ, उससे मारते तो नहीं है लेकिन थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ज़रूर से होता है। और अब देखो ये भाई डंडी को ही चबा रहा है। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई क्या हुआ इसको? उत्तरी 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 नो 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 ओ भाई मेरी तरफ देख रहा है ये। ओके भाई कहीं 4 केजी चिकन की जगह मेरे को ना निपटा दे ये। भाई अब करतार जो है वो इसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है। भाई इसे टच किया। भाई मुझे लगता है कि इसको नींद आ रही है। और आप इसका सर देखो, कितना बड़ा इसका सर है, इतना बड़ा इसका हेड है। भाई इस टाइगर का जो वजन है वो ये 30 किलो बता रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि 30 किलो, क्योंकि 60 किलो तो मेरा ही वजन है, 65 किलो तो ये तो भाई मेरे से तो बड़ा ही लग रहा है मेरे को। और देखो अभी मस्त आराम से चिल होके सो रहा है। और अभी हम इसको टच भी करें तो इसको पता तो है कि मैं टच कर रहा हूँ, लेकिन इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और इन्होंने मना किया है कि आगे के हिस्से में टच नहीं करना। क्या बात है गाइस, ये जो फीलिंग है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये फीलिंग नहीं आ सकती भाई किसी और चीज़ में, क्योंकि अगर ये चाहे तो 1 मिनट में मेरा काम तमाम कर सकता है। तो भाई यहाँ पर है एक दूसरा टाइगर, मेल और फीमेल? तो गाइस ये जो है फीमेल है, यानी कि ये एक बाघिन है, और इनके मन में हर चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी रहती है कि कहाँ क्या हो रहा है। ओहो ओहो मेरी तरफ मता भाई मता, नो 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 नो। भाई ये जो है एकदम रिलैक्स्ड है अभी ऐसा बता रहे हैं, और ये आराम कर रही है, इसका मूड नहीं है भाई, इसका सोने का मूड है अब इसका भी, क्योंकि दोपहर का टाइम है और दोपहर में जो जानवर हैं ये सोते हैं और कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं टाइगर का जो पेट है गाइस उसको टच कर रहा हूँ रियल वाले को। गुलो 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 कुछ 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 कहिए मेरा कुछ कुछ कर दे एक ही बार में। ये है बाघ की पूंछ, पहली बार बाघ की पूंछ टच करी। अरे बाघ को टच करना पकड़ी है, इससे पहले बिल्ले कुत्ते की पकड़ी है। तो भाई टाइगर की पूंछ पहली बार पकड़ ली है इन्होंने तो। अरे भाई ये कुछ कुछ कर देगा ये, अगर इसका मूड किया ना तो तगड़ा ही कुछ कुछ कर देगा ये। इसका साइज देखो पंजे का भाई, कितना बड़ा साइज है। और भाई देखो ये कितनी क्यूट है यार गाइस। वीडियो बना रहा है ना, है ना, है ना नॉटी बॉय। और गाइस इन्होंने मना कर दिया है कि हम हेड को टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए अनकंफर्टेबल होता है और ये जो है गुस्से में भी आ सकता है। अटैक मत कर देना हमारे ऊपर, हमारे पास एक ही जान है बस, भगवान ने एक ही जान दी है। ये जो है एक मीडियम साइज का टाइगर है, जो कि मतलब 8-9 महीने का है। हम आपको अब दिखाएंगे गाइस छोटा एकदम टाइगर का छोटा बच्चा, और बड़ा वाला फुल साइज का टाइगर भी दिखाएंगे। चलो गाइस इसका नाम एना है, बाय बाय एना, लव यू एना। और भाई ये है टाइगर का छोटा बच्चा, और इसको भाई ये जो है बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा है। 3 महीने का बच्चा है भाई। भाई इसकी जो माँ है
वो जस्ट बगल में है, कितना छोटा सा गाइस। और इसके जो फर है ना वो भी बहुत सॉफ्ट है और बड़ा ही क्यूट लग रहा है, बड़ा क्यूट लग रहा है भाई, बड़ा क्यूट लग रहा है। ये खेलने के मूड में तो नहीं? ओहो ओ भाई मुझे देख रहा है, ये भी मुझे देख रहा है। ओहो डस ही बाइट और नॉट? ओहो और गाइस अरे भाई अब मस्त हो गया, ये मस्त हो गया अब एकदम। और भाई मेरे को तो तेरे छोटे से भी डर लगता है भाई, क्या बात है। अब ये मस्त जो है शेर के पोजीशन में शेर की तरह बैठा हुआ है, क्योंकि है ही भाई ये शेर। इसकी पूंछ फिर भी काफ़ी लंबी और काफ़ी मोटी है। और गाइस हमारे साथ में प्रॉपर एक्सपर्ट्स हैं जो कि इनका ध्यान रखते हैं, जो कि हमारा भी ध्यान रखते हैं। वैसे ये वाला जो है काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर ये गुस्से में ये भी आ जाए ना तो भाई ये भी नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये जो है कुत्ते से छोटा होता है, इसका ध्यान भटका रहे हैं कंटिन्यू वहाँ पर, देखो इसका ध्यान भटका रहे हैं ये देखो। और तेरी अब ये जो है। और गाइस हम लोग जो है टाइगर्स देखने के लिए सरिस्का गए, हमको नहीं मिले, खूब कोशिश करी जंगल में तो हमको नहीं मिले। लेकिन अभी हम इंडिया में नहीं है गाइस, इंडिया से बाहर है। अब आपको गैस करना है कि हम कहाँ हैं, नीचे कमेंट से बताओ कि हम कहाँ हैं और कहाँ पर जो है टाइगर देख पा रहे हैं। देख ही नहीं पा रहे गाइस, टाइगर को हम लोग टच भी कर पा रहे हैं इस तरीके से। और देखो ये लकड़ी को भाई ये चबाएगा, इसको ये चबाएगा भाई, इसको जो है कुछ ना कुछ काटना है। और इस और मुझे फील हो रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये छोटा सा बच्चा भी। और इनको इनका जो सर है उससे ऊपर टच करने की आदत बिल्कुल नहीं है। लेंडिया नाम है गाइस इसका, और ये फीमेल है, जैसे अपने लौंडिया होता है भाई। ये छोटा सा जो शेर है ना, ये 2 किलो चिकन खाता है रोजाना, इतना सा, ये दो किलो ओ तेरी और नहीं भाई। और भाई अब देखो ये छोटे बच्चे हैं ना, तो इनके खेलने के लिए थोड़ी व्यवस्था रहती है, ये इनको थोड़ा खिलाते भी रहते हैं जिससे ये बोर ना हो। हाँ इनके इन बच्चों के लिए झुंझुना है ये, और ये जो है हेल्दी भी रहें, क्योंकि अगर ये कुछ कुछ करते रहेंगे ना तो ये हेल्दी रहेंगे, इनकी मसल्स मजबूत होती रहेंगी। ओ तेरी उलट गया भाई। और भाई ये छोटा सा जंगल का राजा यहाँ पर बैठा हुआ है, रानी है ये तो। और भाई आपको पता है कि हम जानवरों से इतना प्यार करते हैं, जहाँ पता लगता है कहीं भी कि यहाँ पर हमको जानवरों से मिलने का मौका मिल सकता है, तो गाइस हम वहाँ पर ज़रूर से पहुँच जाते हैं। और गाइज अब हम आपको दिखाने वाले बहुत बड़ा शेर, जो कि है यहाँ पर गाइज बहुत बड़े साइज का टाइगर। और इसका साइज देखो भाई, डर लगता है इसको टच करने में गाइज, ये सही में बहुत बड़ा है साइज में भाई, बहुत बड़ा है। और ये है भाई असली जंगल का राजा, तो यार असली जंगल का राजा तो ये है भाई। इसका साइज एक्चुअली में ही बहुत बड़ा है, जैसे अपनी गाय होती है ना उसके बराबर इसका साइज है। व्हाट इज इट्स वेट? 150 kg, 150 किलो का ये टाइगर है। एंड हाउ मच मीट डज ही ईट इन अ डे? भाई 7 किलो चिकन जो है ये एक दिन में खाता है। और भाई ये इतना आराम से अभी फिलहाल बैठा हुआ है, अभी तो रिलैक्स चिल है। और मैं पीछे से इसका सर देख पा रहा हूँ, इतना बड़ा सर है, इतना बड़ा। मैं सही बता रहा हूँ, अगर ये जानवर किसी पे अटैक कर दे और किसी को पकड़ ले तो भाई उसका बचना नामुमकिन है भाई। ये जो है बड़े बड़े भैंस तक को, मतलब हाथियों तक पे अटैक कर देते हैं, उसमें नहीं घबराते भाई, इतना होने के बाद भी इतने बड़े हाथी हुए, क्योंकि इनके पास पावर है। इसके पंजे देखो एक बार, इसके ये पॉज देखो, ये कितने बड़े हैं भाई, मतलब मेरे हाथ से आप अगर कंपेयर करोगे तो आप देख सकते हो, देखो ये कितना बड़ा है। और आगे वाला तो बहुत ही बड़ा है, पर हम उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ आगे हाथ गया और हाथ को ये झपट्टा मार के पकड़ सकता है। ओ भाई ये एकदम कैमरा में देख रहा है मेरी तरफ, और ये लोग देखो कैसे डर डर के इसको टच कर रहे हैं। अरे इतना डरो मत भाई, अरे मत डरो, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता ये। गाइज इन लोगों के सामने इसका साइज़ देखो एक बार, देखो इनका सर देखो फिर इसका सर देखो भाई, इसका सर जो है वो इतना बड़ा है और इनका जो सर है वो उससे आधा ही है। और इसके दांत देखो भाई, इसके दांत कितने बड़े हैं देखो। अभी थोड़ा सा गुस्से में है, और टाइगर्स को ठंडी जगह पसंद होती है, कम्फर्टेबल। यहाँ पर इनके लिए पूल भी है, उस पूल में जाते हैं, डूब के आ जाते हैं और फिर वापस आ करके बैठ जाते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते हम लोग। और एक टाइगर यहाँ पे है, हाँ इससे बड़ा है। इज ही मेल? वो मेल है, ये फीमेल है, और इसीलिए इनको अलग अलग पिंजरे में रखा गया। वो पिंजरे में है लेकिन ये थोड़ा फ्रेंडली है तो इसको बाहर रखा गया है। और गाइज यहाँ पर भी एक टाइगर है, और ये बड़े गुस्से में लग रहा है, करता उस पर हाथ तरच मत करना वायर पे, देखो ये कैसे गुस्से में घूम घूम के यहाँ पर इधर आगे पीछे जा रहा है। और ये जो है एक सबसे बड़ा जो टाइगर है जो हमने अभी आपको दिखाया था, उससे तो थोड़ा छोटा ही लग रहा है, लेकिन भाई इसका भी साइज़ बहुत बड़ा। और गाइज अगर ये जानवर अपने जंगल में होते ना तो भाई एक झपट्टा काम तमाम,
ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो के अंदर, नई चीज़ देखने को मिली होगी गाइस। हमने दुबई में भी आपको टाइगर दिखाए थे, लेकिन वो मीडियम साइज़ का था, यानी कि 8-9 महीने का टाइगर का बच्चा था, लेकिन आज हमने आपको छोटा, मीडियम और बहुत बड़ा फुल साइज़ का टाइगर भी सब कुछ दिखा दिया। और भाई जो उसको टच करने का एक्सपीरियंस है ना भाई, वो तो मेरे ही पास रहेगा या हमारे ही पास रहेगा, वो नहीं बता सकता भाई। बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग आती है, ऐसा लगता है मैं किसको टच कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आएगा, वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर देना। अगर आप गैस कर पाए हैं कि हम कहाँ पर ये वीडियो शूट कर रहे हैं, कौन से देश में कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, देखते हैं कि आपका जो जवाब है वो सही होता है नहीं। गाइज इस वीडियो के लिए अगर 5 लाख लाइक हो जाएंगे तो आ जाएगा मज़ा, और हम आपको दिखाएंगे इससे भी तगड़े तगड़े जानवर, ठीक है। लेकिन आपको करने पड़ेंगे इस वीडियो के लिए 5 लाख लाइक ज़रूर से। यहाँ पर जो टाइगर्स हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, उनको खाना वाना भी खिलाया जाता है, लेकिन यार फिर भी बस एक बात दिमाग में थोड़ी सी ज़रूर खटक रही है कि इनको जो इनका जंगल है ना, जहाँ के राजा होते हैं ना, वहाँ इनको नहीं रहने दिया जाता और नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि अगर टाइगर्स को वहाँ छोड़ देंगे तो ये वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इनको शिकार करना ही नहीं आता, तो इसलिए इनको पिंजरों में रखना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल है तो गाइज एक शिकारी जानवर ही। अगर इसको ऐसे छोड़ा जाएगा तो ये जो है भूख से भी मर सकता है, क्योंकि इसको शिकार करना नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।